शहर के कुछ दूर एक छोटे से गांव में किसान था जिसके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा रॉयल, उसके बाद रे और सबसे छोटा लियो। एक दिन उसने सोचा कि उसके 3 बेटे शादी के लायक हो गए हैं, इसीलिए उसने अपने 3 बेटों को बुलाया। तुम 3 अब शादी के लायक हो, पर मैं तुम 3 की काबिलियत देखना चाहता हूँ। जाओ और अपने पसंद की लड़की से शादी के लिए बात करो। पर पिताजी, हम किस लड़की से शादी के लिए पूछे? हाँ, और कहाँ जाएं? बरसों से हमारे खानदान में एक रिवाज चलते आ रहा है। सबसे पहले तुम्हें एक पेड़ काटना होगा। पेड़ जिस दिशा में गिरेगा उसी दिशा में तुम्हें अपनी मनपसंद लड़की मिलेगी। पर पेड़ काटने से पहले तुम्हें एक नया पेड़ लगाना होगा। 3 भाइयों ने हामी भरी और सबने एक एक नया पौधा लगा लिया। उनके घर के आगे 3 पेड़ थे। सबसे पहला पेड़ रॉयल ने काटा, उसका पेड़ पूरब में गिरा। उसके बाद रे ने भी पेड़ काटा, उसका पेड़ पश्चिम में गिरा। फिर अंत में लियो ने पेड़ काटा, उसका पेड़ जंगल की ओर गिरा। ये देखकर दोनों भाई जोर जोर से हंसने लगे। तू जंगल में अपनी महबूबा को ढूंढेगा? अच्छा है, जा जा। जंगल में किसी बंदरिया को शादी के लिए मत पूछ लेना, तुझे नोच खाएगी। बस अब मजाक बंद करो, सब अपने अपने दिशा में चले जाओ और अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। पिताजी का आदेश सुनकर 3 निकल पड़े। रॉयल को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पूरब में मिली। वो तुरंत उससे मोहित हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की ने रॉयल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रे को भी पश्चिम दिशा में एक सुंदरी मिली। रे ने भी शादी का प्रस्ताव रखा और इस लड़की ने भी रे से शादी करने के लिए हामी भरी। शाम होने वाली थी पर जंगल में लियो को कोई नहीं मिला। बस जंगल के बीचों बीच एक घर मिला। लियो घर के अंदर चला गया। कोई है क्या? क्या इस घर में कोई है? घर की खिड़की में एक चूहिया बैठी थी। उसने कहा, मैं हूँ ना, ये मेरा घर है, तुम कौन हो? मैं लियो हूँ, मैं यहाँ अपनी शादी के लिए किसी को ढूंढ रहा हूँ। चूहिया बहुत खुश होकर बोली, मैं हूँ ना, मुझसे शादी कर लो। क्या, लेकिन तुम तो चूहिया हो। तो क्या हुआ, मुझे सब करना आता है जो इंसान कर सकता है। देखो मुझे नाचना आता है, ये देखो मुझे गाना भी आता है। चूहिया अपने कला का प्रदर्शन करने लगी। ठीक है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अब मुझे अंधेरे होने से पहले घर जाना है। सब घर पहुंचकर अपनी प्रेमिका के बारे में अपने पिताजी को बताते हैं। और तुम्हारा क्या हुआ लियो, इसे तो कोई जानवर ही मिला होगा। अरे हाँ, सही कहा। एक मिनट, लियो को बोलने दो। अरे हाँ, मिली है ना, उसे नाचने गाने सब आता है। तो ठीक है, कल सब अपने अपने होने वाली पत्नी के हाथों से रोटी और उसके हाथों से सिले हुए कपड़े ले आना। लियो अपना उदास चेहरा लेकर चूहिया के घर गया। लियो को देखकर चूहिया बहुत खुश हुई। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, पर तुम उदास क्यों हो? लियो ने चूहिया को सारी बात बताई। बस इतनी सी बात? चूहिया ने घंटी बजाई और बहुत सारे चूहे वहाँ आ गए। मुझे सबसे अच्छे गेहूँ की रोटी और सबसे मुलायम सिले हुए कपड़े लाओ। सब चूहों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सफेद रोटी और मुलायम कपड़े तैयार थे। लियो वो कपड़े लेकर अपने पिताजी के पास गया। पिताजी ने सबसे पहले रे की रोटी खाई और कपड़े देखे। ये गेहूँ तो बहुत साधारण है, कपड़े भी कुछ खास नहीं है। पिताजी मेरा वाला देखिए, मेरी प्रेमिका ने सबसे अच्छा बनाया है। पिताजी ने रोटी खाई और कपड़ा देखा। ये तो पहले वाले से भी ज्यादा बेकार है। लियो अब तुम्हारी बारी है। लियो ने रोटी और कपड़े दिए। अरे वाह, सफेद रोटी और मलमल के कपड़े, लगता है तुम्हारी प्रेमिका कोई राजकुमारी है। हाँ, वो सिर्फ घंटी बजाती है और उसके सेवक सारे काम करते हैं। तो ठीक है, कल सब अपनी अपनी प्रेमिका को घर लाओ और शादी कर लो। चूहिया रथ में सवार हुई और कुछ चूहे रथ को खींच रहे थे। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। चूहे धीरे धीरे रथ को आगे लेकर जा रहे थे, पीछे से लियो चलता आ रहा था। कुछ ही देर में एक बड़ी सी नदी आई और सामने से एक आदमी आ रहा था। उसने चूहे के रथ को लात मारकर उसे नदी में गिरा दिया। अरे ये तुमने क्या कर दिया, वो मेरी होने वाली पत्नी थी। अरे पागल हो गया है क्या, चूहे से कोई शादी करता है?
तभी लियो ने देखा कि उस रथ से एक सुंदर हाथ बाहर निकला। बचाओ, हमें बचाओ। तुम कौन हो? तुम्हारी होने वाली पत्नी। पर तुम तो चुहिया थी। मुझे श्राप लगा था, पर अब वो श्राप टूट गया है। वो श्राप ऐसा था कि अगर कोई इंसान मेरे चुहिया होते हुए भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो शादी होने से पहले श्राप टूट जाएगा और चुहिया राजकुमारी बन जाएगी। लियो अपने राजकुमारी के साथ रथ से उतरा और ये देखकर उसके पिताजी बहुत खुश हुए। काश कि मेरा पेड़ जंगल में गिरता तो ये राजकुमारी मेरी होती। रॉयल को क्या पता था, वो राजकुमारी पहले एक चूहिया थी और लियो ने एक चूहिया से प्यार किया था। कहते हैं ना, जिसके नसीब में होता है वही पाता है। अलादीन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन अमीर अजनबी अलादीन की तलाश में उसके घर आया। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं अलादीन को एक छोटे से काम के लिए अपने साथ ले जा रहा हूँ। मोहतरमा, मैं उसे इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। अलादीन आपके साथ जरूर आएगा, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। अलादीन, अलादीन बाहर आया। जी अम्मी। इनके साथ जा, इन्हें तुझसे कुछ काम करवाना है, काम के बदले ये हमें पैसे देंगे। अलादीन ज्यादा कुछ नहीं सोचता है, उस अजनबी के साथ चल देता है। अलादीन अजनबी के साथ कई घंटों तक रेगिस्तान में चलता है। बिना कुछ कहे सुने अलादीन चलता ही जा रहा था। एक जगह आकर अजनबी रुक जाता है, अपनी कमर की पोटली से एक शीशी निकालता है और उस शीशी के अंदर जो कुछ भी था वो रेत में डालता है। अचानक धुआं उठता है और पल भर में ही रेगिस्तान में सुरंग नजर आती है। अलादीन, तुझे इस सुरंग में जाना है। ठीक है, अभी जाता हूँ। सुरंग के अंदर सोने की अशर्फियाँ और हीरे मोती हैं। तुझे जितने चाहिए ले लेना। सच में? अभी जाता हूँ। अलादीन, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुझे मेरे लिए अंदर से चिराग ढूंढ के लाना होगा, वो एक पुराना चिराग है। अलादीन अंदर जाता है। अंदर अनगिनत सोने की अशरफिया, हीरे और मोती थे। अलादीन को अपने आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये सब सच है? अलादीन जल्दी से खजाना अपनी जेब में भरने लगता है कि तभी ऊपर से अजनबी की आवाज़ आती है। चिराग मिला क्या? अचानक से अलादीन की नज़र चिराग पर जाती है। अलादीन चिराग उठा लेता है। इस पुराने चिराग में क्या खास है? वो खड़ूस आदमी इस खजाने को छोड़ के इस चिराग के पीछे क्यों पड़ा है? अलादीन चिराग लेके जाता है। ओ, हो, 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 मिल गया तुझे चिराग, लाओ जल्दी दे। पहले मुझे ऊपर खींचो, फिर चिराग दूंगा। ये क्या बकवास कर रहा है, पहले चिराग दे। काफी समय तक उनकी बहस चलती रहती है। अजनबी गुस्से में आ जाता है। तो ठीक है, अब तू यही मर, मैं ये रास्ता ही बंद कर दूंगा। अजनबी वापस शीशी खोलता है, लेकिन तभी गलती से जादूगर की अंगूठी सुरंग में गिर जाती है और जादूगर सुरंग बंद कर देता है। अलादीन बंद सुरंग में मदद की पुकार लगाता है, पर कोई फायदा नहीं होता। अलादीन की नज़र जादूगर की अंगूठी पर जाती है, तभी अलादीन अंगूठी को पहन लेता है। अरे ये अंगूठी तो बहुत चमकदार है, और साफ करता हूँ फिर और चमकेगी। अंगूठी के घिसते ही चारों ओर धुआं होता है और धुएं के साथ एक विशाल सा जिन आता है। अलादीन उसे देखकर डर जाता है। हुकुम मेरे आका, आपकी तीन ख्वाहिशें पूरी की जाएगी। मुझे घर जाना है। जो हुकुम मेरे आका। अगले ही पल अलादीन चिराग के साथ अपने घर आ जाता है। अलादीन की माँ उसे देखकर चौंक जाती है। तू कब आया? अलादीन पूरी बात अपनी माँ को बताता है। इस चिराग पर कितनी धूल जमी है, ये चिराग कितना गंदा है। अलादीन उस चिराग को घिसता है, चिराग के अंदर से भी एक जिन निकलता है। उसे देखकर अलादीन और उसकी माँ भी डर जाती है। मुझे और मेरी माँ को कुछ मत करना। आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे आका हो, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। ये सुनकर अलादीन ने पूछा, अच्छा तो क्या मैं जो मांगू तुम दोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं इस कायनात की हर चीज को आपके कदमों में लाके रख सकता हूँ। अच्छा तो फिर मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मुझे कुछ अच्छे खाने लाके दो। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन टिक्का। एक बात मालिक, आप शाकाहारी तो नहीं हो ना? अरे नहीं नहीं, मैं सब खाता हूँ। जिनके एक चुटकी से ही ढेर सारा खाना उनके सामने आ जाता है और इसके बाद अलादीन उस जिन से हर ख्वाहिश मांगने लगा। कुछ ही महीनों में अलादीन बहुत अमीर आदमी बन जाता है। अलादीन बड़े महल में रहने लगता है, नौकर चाकर उसके आसपास में रहते हैं। जिन की मदद से अलादीन राजकुमारी जैस्मिन से शादी कर लेता है और वो दोनों एक बड़े से महल में रहने लगते हैं।
एक रोज जादूगर अपना भेष बदल कर अलादीन के महल के पास आता है। पुराने चिराग के बदले नया चिराग ले लो। जैस्मिन ने घर में एक पुराना चिराग देखा था, उसने सोचा कि वो उस चिराग को बदल लेगी। वो चिराग लेकर बाहर आती है। पुराना चिराग देखकर जादूगर समझ जाता है कि ये वही चिराग है जो उसे चाहिए था। जादूगर चिराग लेकर उसे घिसने लगता है। बोलिए मेरे मालिक अलादीन। अरे ये रॉन्ग नंबर कौन है? ए जिन, जल्दी से महल के साथ हम दोनों को कहीं दूर ले चल। जो हुकुम मेरे आका। जब अलादीन वापस आता है तो उसे महल और उसकी पत्नी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो समझ जाता है कि ये सब जादूगर का ही काम है। अलादीन अपनी अंगूठी घिसता है। मुझे उस जादूगर के पास ले चलो। जो हुकुम मेरे आका। जादूगर अंदर आराम से लेटा था और वही अलादीन की पत्नी उसके पैर दबा रही थी। उसी के बगल में चिराग रखा होता है। अलादीन जिन से कहता है, उस जादूगर को गहरी नींद में सुला दो। जो हुकुम मेरे आका। जादूगर गहरी नींद में सो जाता है। आपकी तीन इच्छा पूरी हो गई, अब मैं आजाद हूँ। अलादीन झट से चिराग घिसता है और जिन को बुलाता है। मेरे पुराने मालिक, आप आ गए। बोलिए क्या करना है? इस जादूगर को इतनी दूर भेज दो कि वापस ना आ सके। जो हुकुम मेरे आका। अब मेरे महल को वापस पुरानी जगह ले चलो। बिल्कुल मेरे आका। फिर से महल अपनी पुरानी जगह पर आ जाता है। उस दिन के बाद वो जादूगर दोबारा कभी नहीं आया और अलादीन अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।